भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने जहां पर युवा मोर्चा के साथ मिलकर आज जिला बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन करने का कार्य शुरू किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कुल 8,905 केस जबकि टोटल केस एक्टिव 2,865 जबकि 6,000 ठीक हुए। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि वैक्सीनेशन में भी बिलासपुर जिला काफी अव्वल है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 1,11,954 लोगों को 45 वर्ष की आयु से ऊपर को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है जबकि 32,341 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर में प्रशासन के साथ मिलकर सभी महामारी से निपटने के लिए प्रबंध किए गए हैं। जिला बिलासपुर में डेडिकेटेड केयर सेंटर कुमारवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल के मरीजों के लिए व्यापक सुविधाएं और बेड उपलब्ध हैं। सुभाष ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सदर विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है और हर क्षेत्र को ये धीरे धीरे सैनिटाइज करेंगे ताकि कोरोना महामारी को फैलाने से रोका जा सके। सदर चुनाव क्षेत्र के युवा मोर्चा के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य युवा मोर्चा करेगा। आज इन्होंने लखनपुर, रघुनाथपुरा और नौणी पंचायत को कवर करेंगे और ये सैनिटाइजर हमारे पास 1,500 लीटर सैनिटाइजर इनको दिया गया है। ये सारे कोरोना का जो ये महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, इसके तहत ये सारे इसको सैनिटाइज भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। और सर, हमारे जितना भी युवा मोर्चा वाले हैं ये सारे सभी पंचायतों में जाके वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को भी और अपने जो युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से हर जगह पर ये सैनिटाइज करेंगे और इस कोरोना महामारी से जागरूक भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानकारी भी लेना चाहते हैं, बिलासपुर में यह कोरोना का जो या वो है, इससे यह कोई कोरोना के माध्यम से जो लोगों में एक पैनिक था और लोगों को एक भय की स्थिति थी, ऐसी बिलासपुर में नहीं है। ये अंडर कंट्रोल है और अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल जो कन्फर्म्ड केसेज हैं कोरोना के वो 8,905, एक्टिव केसेज हैं ये 2,865 हैं और उसी तरह से रिकवरी जो रेट है केसेज हैं 6,001 रिकवर हुए हैं और यहाँ से माइग्रेटेड जो लोग हैं वो माइग्रेट हुए हैं, वो 16 लोग यहाँ से माइग्रेट हुए हैं। और उसी तरह से वैक्सीनेशन का भी पूरे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है और लगभग 90-95% जो हमारे जो 65 से 59 से लेके ऊपर तक के जो आयु के 45 से ऊपर आयु के हैं उनकी जो वैक्सीनेशन हुई है वो 90% यहाँ पर वैक्सीनेशन हुई है। और उसमें भी मैं आपको आंकड़ों सहित यह कहना चाहूँगा कि 1,11,954 यहाँ पर फर्स्ट जो डोज की वैक्सीनेशन हुई है और सेकेंड डोज की 32,341 यह पूरे ज़िला में वैक्सीनेशन हुई है और हर जगह पर शांतिप्रिय तरीके से वैक्सीनेशन भी हो रही है और आने वाले दिनों में जो नौजवान हैं उनके लिए भी यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और यहाँ पर व्यवस्था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और उसी तरह से हमारे डेडिकेटेड कोविड सेंटर हैं, घुमारवीं में है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से अभी तक खाली बेडेड हैं, बेड हैं और पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर्स और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। आम जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यह महामारी ना हमारे कंट्रोल में है, ना ये स्वास्थ्य विभाग के और ना ही आम व्यक्ति और ना ही किसी सरकार के और के कंट्रोल में है। ये हम सभी को मिलजुल के इस लड़ाई को पार करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए।
और सभी को जागरूक अपने आस पड़ोस में भी करें, अपने आप में भी, जो जो इसके तहत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं, यह इंस्ट्रक्शन आप सभी हम सभी के लिए है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के लिए या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह सभी के लिए है, इसलिए इसका पालन भी करें, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, किसी को कोई भी आवश्यकता, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर संपर्क करें, हमसे भी संपर्क करें, और हमने कुछ नंबर्स दिए हैं उनसे भी संपर्क करें, एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें, दवाई का प्रबंध किया गया है, यहाँ पर माकूल दवाई है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी दवाई का कोई अभाव है, ऑक्सीजन यहाँ पर माकूल है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जा रहा है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और बिलासपुर वासियों को उसका बधाई देना चाहूँगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और घुमारवीं में भी ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। इसलिए एक बार फिर मैं युवा मोर्चा वालों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करेंगे ये इससे और सारे सभी पंचायतों में सभी लोगों को साथ लेके जागरूक भी करेंगे और सैनिटाइज। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।